At this moment, my heart goes out to Shilpa Shetty and her kids. I can't imagine what she must be going through. So I refuse to use this opportunity to highlight my trauma. The only thing I'll add is that I filed a police complaint in 2019 against Raj Kundra and subsequently registered a case at the Honorable High Court of Bombay against him for fraud and theft. This matter is sub judice, hence I would prefer to limit my statements. Also, I have full faith in our police and judicial process. ठीक है, बता दिया। आज दोनों को पेश किया गया था, क्या जिरे हुई, क्या पक्ष रखा गया और डिफेंस क्या था? मैं अक्यूज नंबर दो के लिए हूँ और आज दोनों को कोर्ट में कल शाम को कभी तो भी अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद आज एक बजे के तकरीबन रिड्यूस किया गया और हमने दोनों की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए ऑब्जेक्शन लिया और काफ़ी देर आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें 23 तारीख तक पुलिस कस्टडी में रिमांड किया गया। तो पुलिस ने पक्ष रखा कि दोनों ही डीलिंग में शामिल थे, पॉर्न फिल्म के और पूरा एक्टिव रोल था, तो रवान का भी और राजकुंद्रा का भी। देखिए, एलिगेशन बहुत सारे किए हैं पुलिस ने ये भी एलिगेशन किया है कि ये बहुत कुछ पॉर्नोग्राफी फिल्म बनाते थे और प्रोड्यूस करते थे, लेकिन आज ये लगा है कि जो भी मटीरियल प्रोड्यूस किया गया है उसमें कहीं भी पॉर्नोग्राफिक फिल्म का ऐसा कोई सामने नहीं आया है। सेक्शन 67A जो नॉन अवेलेबल ऑफेंस है वो इसी में कोई तरह से एप्लीकेबल नहीं होता है। सर, क्या ये आप उन्होंने बेच दिया था, क्या उनका मालिकाना हक था हॉटशॉट के ऊपर? नहीं, इसकी जानकारी अभी नहीं है मेरे पास। पुलिस ने आरोप क्या लगाया है कि ये फिल्म बनाते थे और फिल्म UK ट्रांसमिट करते थे और वो ट्रांसमिशन से फिर जो भी इनकम आता था वो इनको आता था, ऐसा एलिगेशन। वशिष्ठ और कामत ने जो स्क्रिप्ट मेल किए थे उसमें राजकुंद्रा को भी CC किया था, क्या ये भी कोर्ट में पुलिस ने कहा? जी, मैं रायन थोरपे के लिए अपियर हो रहा हूँ, तो वो राजकुंद्रा का क्या मुझे नहीं पता। रायन थोरपे ट्रांसफर के जरिए भेजा करते थे, ये आरोप लगा उनके। ये सिर्फ एलिगेशन है सर, उसके लिए मटीरियल भी आपको दिखाना पड़ता है कोर्ट में, तो अभी तक ऐसा कोई मटीरियल प्रोड्यूस नहीं। पुलिस का आरोप अंडर 67 ए वॉट हाउ 67 ए इज डिफाइंड इज दैट यू नीड टू हैव ए सेक्शुअल इंटरकोर्स एक्ट फॉर इट टू फॉल अंडर दैट सेक्शन।